फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल शर्मा और आज की वीडियो में बताऊंगा कि लॉकडाउन के बाद कौन सा बिजनेस है जो डाउन जाने वाले हैं, जिसमें लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरीके का कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप 6 से 7 महीने रुक जाइए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी जो इकोनॉमी है और जो मार्केट है वो एकदम से फॉर्म में नहीं आ जाएगा, एकदम से ग्रोथ सेक्टर में नहीं जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और लोग बहुत सारी चीजों को अवॉइड करेंगे। सो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही बिजनेस बताऊंगा जिसमें आपको आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप इस तरीके का कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, बात करता हूं वीडियो पे कि ऐसे कौन से बिजनेस आइडियाज हैं जो अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप उनको थोड़ा सा अभी रुक जाइए, कुछ टाइम आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, टाइम गैप लीजिए, ताकि आपको बिजनेस में लॉस के चांसेस कम हो जाए। देखो दोस्तों, 100 बात की 1 बात, अभी मैं आपको जैसे सबको पता है कोरोना वायरस का कहर दुनिया पे चल ही रहा है, आपको भी पता है कि कोरोना वायरस का डायरेक्टली इंपैक्ट इकोनॉमी एंड अपने मार्केट पे पड़ा है। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि 6 से 7 महीने रुक जाइए, इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो जाए, लोगों की आवाजाही मार्केट में चल जाए, तभी आप बिजनेस को स्टार्ट करिए। नहीं तो दोस्तों, आपको लॉस ही होगा, क्योंकि अभी लोकल मार्केट पे लोग अवॉइड करेंगे जाना, ऑनलाइन मार्केट की तरफ स्विच हो गए हैं। मैंने 5-6 बिजनेस आइडियाज बताए हैं अभी पिछली वीडियो में कि जो आप लॉकडाउन के बाद कर सकते हैं। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप उनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है, क्योंकि देखो लोगों का इंटरेस्ट होता है जिस चीज में। अब हम लोग वो सोचते हैं कि वही बिजनेस करें, और हम लोग ना जब बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हम नेगेटिव पॉइंट्स कभी नहीं देखते हैं। जब हम बिजनेस करने वाले होते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स दिखते हैं, और नेगेटिव पॉइंट्स ना देखने की वजह से दोस्तों बिजनेस में होता है लॉस, और वो चीज हम उस टाइम पे बेयर नहीं कर पाते। तो दोस्तों, जब आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो आपको उसके पॉजिटिव एज वेल एज उसके नेगेटिव पॉइंट्स को आपको बिल्कुल आप ध्यान में रखने चाहिए। अब मैं बात करता हूं दोस्तों टॉपिक पे कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों, बिजनेस इंडस्ट्री में अभी लॉस होगा फूड इंडस्ट्रीज को, यानी कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी जो फूड इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा लॉस होगा। अगर उनकी पर डे की सेल 50,000 है तो भाई वो अब गिरकर 20,000-25,000 रह जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि लोग बिल्कुल बाहर का फूड नहीं खाएंगे, लोग खाएंगे, बट जो उनका एवरेज पर डे का सेल होगा वो कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। तो दोस्तों, अगर आप फूड डिपार्टमेंट या फूड इंडस्ट्री कोई भी फूड ब्रांच या खोलने की सोच रहे हैं फूड शॉप, तो दोस्तों इसको आप थोड़े दिनों के लिए एक्सपेंड कर दीजिए, थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन करिए, और आगे 6 से 7 महीने बाद आप खोलिए, ताकि आपके बिजनेस जो है बढ़ने के और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएं, लॉस के चांसेस कम हो जाएं। इसके अलावा दोस्तों, ऑनलाइन फूड ऐप्स जो चलती हैं, यानी कि जोमैटो, स्विगी, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, वो सारे ऐप्स अभी थोड़े टाइम के लिए डाउन रहेंगे। क्यों डाउन रहेंगे दोस्तों? क्योंकि ये सारे जो ऐप्स होते हैं इनका टाइप दोस्तों सबको पता है कि स्मॉल जो भी बिजनेसमैन होते हैं, यानी कि स्मॉल स्टॉल्स वाले होते हैं, उनसे भी होता है। तो वहां पर हाइजीन इतनी ज्यादा मेंटेन नहीं होती है। तो अगर दोस्तों आप भी अगर किस तरीके का कोई काम करने की सोच रहे हो या किसी ऑनलाइन ऐप में रजिस्टर होने की सोच रहे हो, तो दोस्तों अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। अगर आपका फूड का काम है तो वो मत करिए। अगर आप किसी और तरीके का काम करना चाहते हो तो वो आप ऑनलाइन बिजनेस में दबा कर चल सकता है, आप बिल्कुल जाइए। अगर आपके पास मतलब रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं या कोई और आपके हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे कोई भी आपके पास क्लॉथिंग का है तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फूड की बात करें तो फूड का बिजनेस ऑनलाइन मार्केट में डाउन रहेगा, यानी कि फूड के जो ऐप है जोमेटो, स्विगी, ये थोड़े से भी काम चलेंगे, तो इसमें भी आप ना करेंगे काम। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी स्मॉल स्टार्टअप, जैसे कि छोटे मोटे जो भी बिजनेस होते हैं, जैसे हम स्टार्ट करते हैं सोचते हैं कि हम एक टी स्टॉल स्टार्ट कर लें या एक मैगी पार्लर स्टार्ट कर लें, टी हब स्टार्ट कर लें, इस तरीके का कोई भी छोटा मोटा अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस यानी कि स्मॉल स्टार्टअप, तो भाई स्टार्टअप अभी करने का टाइम नहीं है। इस तरीके का कोई भी स्टार्टअप मत करना, स्टार्टअप के लिए अभी रुक जाइए। चाहे वो कोई सा भी स्टार्टअप हो, अभी मार्केट में लोग निकलेंगे ही नहीं, लोग अभी बहुत अवॉइड करेंगे और जो भी चीजें हैं वो घर पर ही मंगाएंगे। तो आप ऑनलाइन बिजनेस करिए या फिर आप डोर टू डोर सर्विस देने वाला बिजनेस कोई स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी इसके अलावा कोई अगर मार्केट में आप खड़े होकर या कोई स्मॉल स्केल
स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यानी कि स्टॉल लगाकर या किसी तरीके का, इस तरीके का बिजनेस, तो वो आप मत करिए, अवॉइड करिए, कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, उसके बाद आप करिए। मैं नहीं चाहता आप कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करें और उसके बाद आपको लॉस हो जाए और फिर आप आगे आने वाले टाइम पर आप बिजनेस के बारे में सोचे ही ना। क्योंकि दोस्तों अगर एक बार हमें बिजनेस में लॉस हो जाता ना, फिर हमें दिल को समझाना और अपने परिवार वालों को समझाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, टाइम ले लो, एक बार बिजनेस स्टार्ट करो, बट लॉस मत करो बिजनेस में। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आप, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको बिजनेस की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती और वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी सोचते नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना है ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए आपको। दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप अपने आप से पूछ लेना कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, क्या आप एज अ कस्टमर लॉकडाउन के बाद वो चीजें खरीदोगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को इस चीज की जरूरत है और मैं खरीद रहूंगा ये चीजें लॉकडाउन के बाद भी, तो आप उस बिजनेस स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है कि ये उस टाइप का बिजनेस नहीं है, कि लॉकडाउन के बाद इसकी बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, तो आप उस बिजनेस स्टार्ट मत करना दोस्तों। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो लॉकडाउन का टाइम है ना आपका, इसको यूटिलाइज करिए। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको शुरू करने के बजाय उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, हर चीज के बारे में, उसके प्लस पॉइंट, उसके नेगेटिव पॉइंट्स। दोस्तों जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका नेगेटिव पॉइंट देखेंगे नहीं, और जब बिजनेस स्टार्ट कर देंगे फिर हमें पता चलेगा कि ये भी प्रॉब्लम है। भाई मशीन ले लिया आपने, प्रोडक्शन आपने कर लिया, उसके बाद आपको किसे बेचना है ये आपको पता होना चाहिए। बिजनेस विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज B2B बिजनेस और That is B2C business. B2B business होता है business to business और B2C होता है business to customer. तो आपको ये पता करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जो business करने जा रहे हो वो होलसेलर के लिए कर रहे हो या फिर आप customer के लिए direct कर रहे हो। तो इन चीजों का पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसा ना हो आप कोई मशीन ले लो, मैन्युफैक्चरिंग कर लो, आप प्रोडक्शन कर लो किसी आइटम की और फिर आपको आपको कस्टमर ही ना मिले। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप मार्केट बनाओ, मार्केट में घूमो, हर चीज की सर्च कर लो। तो इस लॉकडाउन के टाइम को आप यूटिलाइज करो और जब लॉकडाउन के टाइम के बाद जब आप बाहर निकलो तो धमाकेदार एंट्री करो मार्केट में और सीधा प्रॉफिट करो दोस्तों, लॉस मत करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो यार, और जो भी आपके दोस्त भाई बंधु रिश्तेदार कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो उन्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलो और वीडियो को भी शेयर करो। इसके अलावा दोस्तों जो लाल वाला बटन है ना उसको जरूर दबाओ, घंटा भी प्रेस करो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।